पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या चीज, हाँ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल दिए थे कि टेंशन काम कर जाता है, कभी कभी सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह टेंशन काम किया था, और एक फ्रिक्शन फोर्स काम किया सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, फिर एक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम किया सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, और इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम किया सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल, आपको लगेगा कि नॉर्मल जो है कैसा काम कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। इसके लिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि एक ड्रम है, कोई एक सिलेंडर के आकार का सिलिंड्रिकल ड्रम, है, और ये सिलिंड्रिकल ड्रम है, इसका नीचे वाला सरफेस है और इसका ऊपर का सरफेस है, माने सिलेंडर जैसा कोई एक कमरा है, और इसे क्या किया जा रहा है कि घुमाया जा रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। समझो एक कमरा अपने अपने एक एक्सिस पर क्या हो रहा है, घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है। नीचे का ये जो प्लेट है, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो प्लेट है ये जो है आपका स्लाइडर है, स्लाइडर प्लेट, मतलब जब चाहे इस प्लेट को हम लोग खींच करके बाहर निकाल सकते हैं, सही कि नहीं, इसको अगर हाँ खोल सकते हैं, ऐसे निकाल लेंगे तो नीचे खुला हुआ हो जाएगा ओपन एकदम, और डाल दें तो क्या हो जाएगा, पैक बंद हो जाएगा। और तब है सवाल कि इसके अंदर में मान लिया जाए कि एक आदमी है, इसके अंदर में एक आदमी है जो दीवार से सट के एकदम खड़ा है, कि सिलेंडर का रेडियस भी बता दिया गया है कि सिलेंडर का रेडियस आर है, और दीवार और आदमी के बीच में फ्रिक्शन कितना है न्यू, दीवार और आदमी के बीच में, आदमी का जो बैक साइड है और दीवार इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है न्यू है, और आदमी दीवार धर के एकदम खड़ा है, और सिलेंडर क्या हो रहा है घूम रहा है। तो मान लिया जाए कि सिलेंडर जब भी घूमेगा और आदमी दीवार धर के खड़ा है ऐसे, है कि नहीं, तो ज्यादा स्पीड जब घूमेगा, मान लिया जाए वही हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि ओमेगा का मान कम से कम, ओमेगा का मान कम से कम कितना होना चाहिए, मैंने कम से कम कितना स्पीड से सिलिंड्रिकल ड्रम को घुमाना चाहिए ताकि आदमी दीवार पर इस तरह से एकदम सट जाए या दीवार पर इतना फोर्स लगाए ताकि अगर नीचे वाला प्लेट को हटा भी ले तो आदमी गिरना नहीं चाहिए। सवाल पहले लिख लेते हैं हम लोग कि फाइंड ओमेगा मिनिमम, ओमेगा कि ओमेगा का मिनिमम मान बताइए, जो घूम रहा है उस ओमेगा का मिनिमम मान बताइए, फाइंड ओमेगा मिनिमम इफ स्लाइडर प्लेट इज रिमूव, स्लाइडर प्लेट इज रिमूव इफ स्लाइडर प्लेट इज रिमूव मैन क्या लिख दें, डज नॉट फॉल, सही कि नहीं, अगर नीचे वाला प्लेट को हटा लिया जाए फिर भी ये आदमी को गिरना नहीं है। हाँ अभी मान ले ड्रम घूम नहीं रहा है, अब आदमी से माने प्लेट पर अंदर में खड़ा है, आई वाला प्लेट को हम क्या करेंगे यहां से हटाएंगे, ये वाला प्लेट को हम लोग जैसे यहां से हटाएंगे आदमी क्या हो जाएगा गिर जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कितना मिनिमम स्पीड से कम कितना चाल से घुमाया जाए ताकि प्लेट हटा भी ले तो भी गिरे नहीं। देखिए हो क्या रहा है इसमें, जैसे कि मान लिया जाए आदमी है तो आदमी पर तो एक बल लगता होगा नीचे mg, यही आदमी को गिराना चाहता होगा, आदमी पर कौन सा फोर्स लग रहा है mg, यही गिराना चाहता होगा, और जब नीचे वाला प्लेट हट जाएगा तो आदमी पर बल लगेगा mg, तो उस कारण से नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन पीछे दीवार और बैक साइड के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, पीछे कौन काम करेगा एक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मान कितना होगा म्यू एन, है कि नहीं, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू कहां पर जाएगा म्यू एन, मान लो फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कितना है म्यू एन,
तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगर म्यू एन है, यानी कितना लग रहा है एमजी, तो आदमी गिरना नहीं चाहिए। आदमी गिरना अगर नहीं गिरना है तो पक्का है कि एमजी का जो मान है, ये जो फ्रिक्शन के जो मान है उससे या तो कम रहे या तो उसके बराबर रहे। जितना घर्षण बर्दाश्त कर सकता है उतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो गिर ही जाएगा। अगर इसे नहीं गिरना है, इसका मतलब mg का मान या तो इसके टक्कर का हो या तो इसे कम ही हो, सही कि नहीं? क्यों जाएगा mg less than equal to mu n का मान देखिए यहाँ। अब जैसे कि दीवाल पर ही तो कांटेक्ट है, तो दीवाल देगा इसको एक नॉर्मल फोर्स। दीवाल क्या देगा इसको? एक नॉर्मल फोर्स, है कि नहीं? तो अगर हम मान लिया जाए कि n को अगर हम मान लें सेंट्रीपेटल फोर्स, कौन फोर्स? तो सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर हुआ कि नहीं, तो n बराबर क्या लिखा जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर मास इनटू ac। अभी आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह कौन काम कर रहा है? नॉर्मल। यही नॉर्मल है जो इसे क्या कर रहा है? घुमा रहा है। लेकिन हम बताए थे कि हम लोग उसी जगह बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमेशा कौन सा यूज करेंगे? सेंट्रीप्यूगल फोर्स वाला। तो यहाँ पर मान लो इस पर क्या लग रहा है? फोर्स बाहर की ओर, m ओमेगा स्क्वायर r, है कि नहीं? जिस पोजीशन पर याद उसी पोजीशन पर हम भी समझो कि वहां पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को वहां पर रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो m ओमेगा स्क्वायर r कहां लगेगा? बाहर। तो पर भी आप समझना होगा कि n बराबर कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r, या तो आप सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह समझ के लिखेंगे तो लिखेगा कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस कहानी में सेंट्रीपेटल फोर्स कौन हुआ? नॉर्मल, सही कि नहीं? ये एग्जांपल चल रहा था हमारा, एक ऐसा क्वेश्चन करा रहे थे जिसमें आपको लगे कि नॉर्मल जो है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। बाकी तो सॉल्व करते जाना है। तो म्यू ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू आर, इसका मतलब ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू आर का रूट ओवर, माने ओमेगा का मान इतना होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओमेगा का मान इतना होना चाहिए या तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम मान कितना होना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का मिनिमम मान हुआ जी बटे म्यू आर का रूट ओवर। इतना मान कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा रहे तो और अच्छा बात है, नहीं गिरेगा, लेकिन कम से कम इतना मान होना चाहिए। हमारा आंसर है ओमेगा का मिनिमम मान जी बटे म्यू आर का रूट ओवर, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि नॉर्मल फोर्स कैसे काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। तो सब कुछ देख लिए, टेंशन का पिछले क्लास में हो गया था, फ्रिक्शन हो गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक नॉर्मल। लेकिन जनरली हम लोग का जो सवाल है सर्कुलर मोशन चैप्टर में, जनरली जो मिलेगा उसमें टेंशन वाला मिलेगा, फ्रिक्शन वाला मिलेगा और नॉर्मल वाला मिलेगा। वो ग्रेविटेशन वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला थोड़ा कम मिलेगा, और उसका अलग से चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और ग्रेविटेशन का। तो हम बहुत सारा सवाल करके दिखाते हैं जिसमें टेंशन का जिक्र रहेगा, फ्रिक्शन का जिक्र रहेगा और नॉर्मल ये सब का जिक्र रहेगा। जैसे कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते थे कि एक छत से एक स्ट्रिंग है, इसमें m किलोग्राम का एक ब्लॉक है लटका हुआ ऐसे रहता था, तो पढ़ते थे कि इसमें टेंशन कितना होगा, बोले रस्सी में टेंशन t और यहाँ पर नीचे ग्रेविटी टेंशनल फोर्स mg और t बराबर mg क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में, t बराबर mg क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते ही थे। लेकिन आप ऐसा सोचें कि एक ब्लॉक है जो इस तरह से क्या हो रहा है? घूम रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? घूम रहा है l लंबाई के रस्सी के सहारे, और जब यहां से गुजर रहा था तो इसका स्पीड कितना था? v। ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्या हो रहा है? घूम रहा है, कोई घुमा रहा होगा, और जिस समय यहां पर से गुजर रहा था उस समय स्पीड कितना था? v। आगे क्या स्पीड होगा नहीं होगा उससे हमको ज्यादा मतलब अभी नहीं है, हम सिर्फ इस बात को बता रहे हैं कि जब पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते कभी यहाँ से गुजर रहा होगा उस समय स्पीड कितना था? ए। तो बताओ उस समय रस्सी में टेंशन क्या है? तो मान लो रस्सी में टेंशन कितना है? टी। रस्सी में टेंशन कितना है? टी। और नीचे काम करेगा ग्रेविटी, टेंशनल फोर्स कौन? एम जी। और ये बात तो पहले ही से लिखा चुके हैं कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करेंगे। हम लोग फोर्स कहाँ लगाएंगे? बाहर। इस समझ के नहीं सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी समझ के यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे
इस सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? टी। अब बाहर की तरफ एम जी, और आप लिख सकते थे कि टी माइनस एम जी, एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई एल, वही सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। लेकिन बोले कि इस तरह से नहीं सॉल्व करो, तुम आराम से सॉल्व करो, ऐसा है कि सीधा सीधी लिखा जाए टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ऐसे नहीं सॉल्व करना, हम यहीं पर बैठ के सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बदले एक स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई एल। तो ऐसे भी लिखा जाएगा टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, टी बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, सही कि नहीं? ये हो गया। मान लिया जाए कि इसी तरह से यही सवाल है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एम मास का ये ब्लॉक है जो एल लंबाई के रस्सी से क्या है लटका हुआ है, सही कि नहीं? जब यहां से कोई भेलो सिटी दिया तो कभी यहां तो पहुंचा होगा, हाँ, जब यहां से यहां पहुंचा, जब यहां से यहां पहुंचा कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। उस समय मान लो कि इसका वेलोसिटी कितना पाया गया? भी सही कि नहीं? जिस समय यहां से कितना एंगल चढ़ाई? थीटा एंगल। हाँ, इस सवाल में बोल रहे हैं कि यहां से गुजरने वक्त कितना स्पीड था इसके पास? भी। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, यहां से थीटा एंगल आगे चढ़ने के बाद पाया गया उसका स्पीड कितना है? भी। अब बताओ यहां पर रस्सी में कितना टेंशन है भाई, यहां पर रस्सी में कितना टेंशन है? तो मान लो कि रस्सी में टेंशन कितना है? टी। एक तो यहाँ कौन लगेगा? एम जी, और एम जी का दो टुकड़ा हुआ कि नहीं? यहाँ कौन कितना बनेगा? थीटा। तो थीटा इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और यहाँ एम जी साइन थीटा। और हम अपना पीछे पढ़ ही रहे हैं कि अगर सर्कुलर मोशन कोई पार्ट की करे तो हमेशा एक फोर्स कहाँ लेना है? बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई। इस तरह से इस सवाल में टेंशन का जो मान आएगा, टेंशन बराबर आएगा एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा। इस तरह से टेंशन का मान यहां निकल जाएगा। इसी में एक छोटा सवाल और रहता है, एक ढंग का, इसी में एक ढंग का सवाल ये रहता है कि मान लिया जाए वही सवाल, एल लंबाई के स्ट्रिंग के सहारे कोई ब्लॉक क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक है ना? यहां से हम दे दिए वेलो, हाँ, यहां से हम वेलोसिटी दे दिए, अभी यहां नहीं है, अभी यहां आ गया, अभी था यहीं पर, करवाए थे, यहां आ गया ही। लेकिन लिखा है कि जब यहां पर आया तो कितना कौन चढ़ा हुआ है? थीटा नॉट, थीटा नॉट। और क्वेश्चन में बात मेंशन है कि थीटा नॉट जो है ना एम्पलीट्यूड, क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं इसको, ऐसे एम्पलीट्यूड है। अब बताओ कि यहां पर टेंशन का मान क्या है? तो ये एम्पलीट्यूड का मतलब हम लोग ये समझना होता है कि यहां पर वेलोसिटी का मान इसके पास जीरो है। एम्पलीट्यूड का होता है अपना मतलब, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम, अपने जो मेन पोजीशन है वहां से दाएं या वहां से बाएं कितना आगे तक जाता है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थीटा नॉट क्या है? एक एम्पलीट्यूड, तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर ये एम्पलीट्यूड है इसका मतलब ये है कि अब यहाँ के बाद ये आगे ऊपर चढ़ेगा नहीं, अब यहाँ के बाद रुक जाएगा और फिर से लौट के वापस आ जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पर टेंशन का मान क्या है? तो टेंशन कितना होगा यहाँ पर? टी, और नीचे एगो एम जी, और एम जी का फिर से दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, यहाँ थीटा नॉट होगा और यहाँ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा नॉट, और यहाँ हो जाएगा एम जी साइन थीटा नॉट, एम जी साइन थीटा नॉट। तो और अभी तो वेलोसिटी कितना इसके पास है? जीरो। जब वेलोसिटी ही जीरो है इधर तो कोई फोर्स हमको लेना नहीं, अगर आप लेंगे भी एम वी स्क्वायर बाई एल तो भी का मान तो कितना आएगा? जीरो। तो इस यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन के चलते यहाँ का फोर्स होने वाला है नहीं, जो बार बार दिखा रहे थे सेंट्री युगल फोर्स बाहर की तरफ वो तो हमें नहीं करेगा, अगर लिखेंगे भी तो भी का मान कितना रहेगा? तो टेंशन का मान आ जाएगा एम जी कॉस थीटा नॉट, एम जी कॉस थीटा नॉट, टी बराबर एम जी कॉस थीटा नॉट, ऐसे आ जाएगा, सही कि नहीं? अगला सवाल,
मान लें पहले आपकी जो है ग्रेविटी फ्री हॉल है, ग्रेविटी फ्री हॉल मतलब जहां पर ये वस्तु और ब्लॉक जो भी है रस्सी है यहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी फ्री हॉल है और ये घूम रहा है मान लीजिए कि 2 रेडियन पर सेकेंड से, ये ओमेगा है इसका, 2 रेडियन पर सेकेंड से पूरा सिस्टम घूम रहा है। इसका मास मान लो कि 1 किलोग्राम है, इसका मास 0.5 किलोग्राम है और इसका मास 1 किलोग्राम। ये रस्सी का लंबाई 1 मीटर, ये भी रस्सी का लंबाई 1 मीटर और ये भी रस्सी का लंबाई 1 मीटर। सवाल है कि फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग, इन सभी स्ट्रिंग में क्या बताना है, टेंशन। तीन स्ट्रिंग है ना, ये तीनों स्ट्रिंग में हमें क्या बताना है, टेंशन, फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब ये ग्रेविटी फ्री हॉल है भाई, इसका मतलब कोई एमजी वाला कहानी से कोई लेना देना तो है नहीं, बस सर्कुलर मोशन को ध्यान में रखना है। और हम पढ़ रहे हैं ये बात बार बार कि अगर कोई पार्टी सर्कुलर मोशन करता है तो फोर्स कहाँ दिखाना है, बाहर दिखाना है, mv² / r या m ओमेगा² r, m ओमेगा² r। चलो मान लो इस रस्सी में टेंशन का वैल्यू T1 है, इसमें टेंशन का वैल्यू, इस रस्सी में टेंशन का वैल्यू T2 है, इस रस्सी में टेंशन का वैल्यू T3 है, यही T1, T2 और T3 का मान हमें चाहिए। इस रस्सी में कितना टेंशन है, इस रस्सी में कितना टेंशन है और इस रस्सी में कितना टेंशन है, T1, T2 और T3 चाहिए। तो देखो पहले सर्कुलर मोशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा एम, एम माने एक, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का मान 2 बताया गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का मतलब 3, 1, 2 और यहां से यहां का रेडियस 3 होगा, तो इस तरह से आ जाएगा 12 न्यूटन। कितना आ जाएगा ही 12 न्यूटन। 0.5 किलोग्राम वाला पर जो फोर्स लगेगा वो लिखाएगा एम, एम का मतलब 0.5 kg, ओमेगा 2 है तो 2 का स्क्वायर और आर का मान 2 मीटर, इस तरह से आ जाएगा 2 × 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। 1 किलोग्राम पर जो फोर्स लगेगा वहां पर लिखेंगे एम का मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और आर का मतलब 1, और ये कितने न्यूटन होगा, 4 न्यूटन। अब यहां से आप देखें कि 1 किलोग्राम के ब्लॉक पर इधर कितना लग रहा है T1 और उधर लग रहा है 12, देख लो T1 बराबर 12 न्यूटन। इस वाले ब्लॉक पर इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है 4 और T1, 4 और, तो T2 बराबर होगा 4 + T1, T2 बराबर T1 मतलब 12 × 4 = 16 न्यूटन। अगर आप इस ब्लॉक को देखो तो इसमें इधर कितना लग रहा है T3, इधर 4 + T2, 4 + T2, इसका मतलब T3 बराबर आ जाएगा 4 + T2 = 16 × 4 = 20। इस तरह से आ जाएगा T1, T2, T3 का मान 12 न्यूटन, 16 न्यूटन, 20 न्यूटन, सही कि नहीं, 3 ब्लॉक। इसी से थोड़ा रिलेटेड सवाल है कि मान लीजिए कि एक रड है, ये क्या एक रड जिसका कि लंबाई है L और इसका मास है M और ये घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से और यहां पर एक पॉइंट है P और सवाल है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, P बिंदु पर टेंशन का मान बताइए, P बिंदु पर टेंशन का मान बताइए, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से क्या हो रहा है रड घूम रहा है, पूरा का पूरा रड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है और हमें P पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंशन। तो जैसे कि यहाँ पर टेंशन निकालना था कि नहीं, अगर पूछता कि यहाँ इस क्वेश्चन में कि यहाँ टेंशन मतलब कितना बोलते हैं T3, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला, तीनों क्या करेंगे जोड़ेंगे तो नहीं आएगा हम लोग का 20, T3 का मान कितना आया 20, मतलब कि इस तीनों ब्लॉक पर बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स को जोड़े कि नहीं जोड़े। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर पी बिंदु पर टेंशन निकालना है, इसका मतलब इस P पॉइंट के इधर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा,
हम यह बात मान के चल रहे हैं कि रेड कितने पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इनफिनाइट पार्टिकल्स। ये पूरा सिस्टम कितने पार्टिकल से मिलकर बना था, तीन पार्टिकल्स। आप मान के चलो उसी तरीका से ऐसा सिस्टम कितना पार्टिकल है, इनफिनाइट पार्टिकल है, और सभी अलग अलग दूरी पर होंगे यहां से, तो सबका रेडियस भी अलग अलग होगा, तो फोर्स भी सब पर अलग अलग होगा, और सब पर फोर्स तो बाहर ही लगेंगे, और उन सभी फोर्सों को जोड़ेंगे तब जाके निकलेगा पॉइंट पी पर टेंशन। सही है कि पॉइंट पी पर टेंशन का मान क्या है। अब इसमें इनफिनाइट पार्टिकल है, सबका अलग अलग निकाल के तो जोड़ पाना संभव है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है ही, रड का एक छोटा सा पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, जिसका लंबाई हम मान के चल रहे हैं कि कितना है, डी एक्स। सही करे, मान लें कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर इस रड का एक पार्टिकल है इसका लंबाई कितना है, डी एक्स। तो इस पार्टिकल पर कितना फोर्स इधर लगेगा, इस पार्टिकल पर कितना फोर्स इधर लगेगा, अगर उसका नाम हम क्या मान लें, डी एफ, कि जो छोटा सा पार्टिकल है जो डी एक्स लंबाई का है, इस पर बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, अगर हम इसे डी एफ माने तो डी एफ का मान क्या लिखाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा से है ना, हाँ ओमेगा के रूप में लिखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, वी के रूप में तो लिखना चाहिए एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे, और ओमेगा के रूप में है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां लिखाएगा एम और लिखा जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और आर के जगह क्या लिखाएगा, एक्स, क्योंकि एक्स दूरी पर है। अब बात है कि इसका मास कितना इस पार्टिकल का, अब समझो चूंकि एल लंबाई के रड का मास कितना बताया गया है, एम, एल लंबाई के रड का मास क्या बताया गया, तो एक लंबाई के रड का मास एम बाई एल, तो डी एक्स लंबाई के रड का मास एम बाई एल डी एक्स, एम बटा एल डी एक्स, यहां पर लिखाएगा एम बटा एल डी एक्स। ये जो एम बटा एल डी एक्स है, इस टुकड़ा का मास है अगुने ओमेगा का स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना होगा, एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वह सिर्फ इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, ऐसा सा ढेर सारा पार्टिकल है, इसलिए अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि एम बटा एल ओमेगा का स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एल तक, यहां होगा एक्स बराबर जीरो, यहां होगा एक्स बराबर एल, ठीक है, एक्स बराबर जीरो से कहां तक, एक्स बराबर एल तक, तो एम बटा एल ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक्स के पावर एक का इंटीग्रेशन होगा एक्स के पावर दो बटा दो, और जीरो से कहां तक, तो लिखेंगे एम बटा एल ओमेगा का स्क्वायर और एल स्क्वायर बटा टू, एल से एल वो कटेगा, आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, इतना टेंशन काम कर रहा है कहां पर, पॉइंट पी पर, ये आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। इसको ऐसे लिखो कि एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, एम ओमेगा स्क्वायर, हाँ फिर बाद में हम सेंटर ऑफ मास ये सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा भी माना जा सकता है कि इस पूरा रड का पूरा जो मास है एम कहां पर है, इसके सेंटर पर, बीचो बी, एल लंबाई का ही रड है, और मान लो पूरा मास कहां है, बीचो बीच, एल बाई टू पर, एल बाई, तो डायरेक्ट लिख सकते थे फॉर्मूला, एम मास है जो एल बाई टू पर है और घूम रहा है ओमेगा से, तो बाहर एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ऐसे आंसर आता है। इसी से रिलेटेड मान लिया जाए, हम थोड़ा सा बात बता रहे हैं इसी से रिलेटेड, इसी सवाल में अगर आपको क्वेश्चन ऐसे रहता कि मान लिया ये जो रड है ये तो घूम ही रहा है ओमेगा से, एल लंबाई का है और मास कितना है इसका एम, और आपसे पूछा जाता कि बीचों बीच एक पॉइंट है जिसका नाम है Q, जो यहां से कितना दूरी पर है, L by 2 दूरी पर, बीचों बीच है, तो बताइए कि टेंशन का मान पॉइंट Q पर क्या होगा। अभी हम कहां निकाल रहे थे, हाँ फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, हम निकालने बता रहे कहां पर, Q पर, Q पर। इस सवाल यहां देखिए, अगर हम यहां टेंशन पूछेंगे तो इन तीनों ब्लॉकों पर लगने वाला फोर्स साइड हुआ था,
अगर यहां टेंशन पूछेंगे तो इसके बाद का दो ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स ऐड हुआ था नहीं, और अगर यहां टेंशन पूछेंगे तो इसके बाद का जो एक ब्लॉक था उस पर लगने वाला फोर्स का आंसर आया था कि नहीं। चूंकि हम अभी यहां पर टेंशन पूछे हैं पी पॉइंट पर, इसलिए पी के थे जितने भी ब्लॉक हैं सब पर लगने वाला फोर्स हम लोग जोड़ेंगे, इसलिए टेंशन के थे जीरो से लेकर के एल तक। अभी हम क्यू पर आंसर पूछ रहे हैं तो क्यू के इधर जितना भी पार्टिकल है सब पर लगने वाला फोर्स ऐड होगा, इसका मतलब इस बार इंटरेक्शन यहां से यहां तक नहीं करेंगे, एल बाई टू से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे एल तक। कहने का मतलब अगर पॉइंट क्यू पर आंसर पूछा जाए कि पॉइंट क्यू पर टेंशन का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा कि एम बटा एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन टी एल बाई टू से लेके एल तक, एल बाई टू से लेकर के एल तक, क्योंकि एल बाई टू से कहां स्टार्ट हुआ है, हमको पॉइंट क्यू पर टेंशन चाहिए, तो पॉइंट क्यू से लेके जितने भी पार्टिकल होंगे सब उधर फोर्स लगता होगा सब पर, यही सब देंगे टेंशन। इसका थोड़ा सा डेमो इस क्वेश्चन में है, अगर यहाँ पर टेंशन निकालना है तो सभी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ऐड हुआ था, यहाँ टेंशन निकालना थी दोनों पर लगने वाला ऐड हुआ था, और यहाँ पर निकालना तो सिर्फ इसका वाला था बारह ने, इसका मतलब अगर क्यू पर निकालना तो इधर पार्टिकल जोड़ेंगे ना, तो इंटरेक्शन करेंगे एल बाई टू से लेकर के एल तक, बाकी तो इंटरेक्शन वैसे ही कर सकते हैं, एम बटा एल ओमेगा का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एल बाई टू से एल तक, एक बार एक्स का मान एल दे देंगे, एक बार एक्स का मान एल बाई टू देंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, सही कि नहीं। तो आ जाएगा आंसर कितना ही, एम बटा एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू एल स्क्वायर बाई, और फिर आएगा एल स्क्वायर बटे आठ, नहीं एल रखे तो एल स्क्वायर बाई टू होगा ही, एल बाई टू यहाँ रखाएगा तो एल बाई टू का स्क्वायर एल स्क्वायर फोर पहले हो गया, अब बाई टू और है, ऐसे होगा नहीं, बाकी जो भी आ जाए कैलकुलेशन करना और आसान है, सही कि नहीं, ऐसे कर लेंगे। तो हम कहां पर निकलवाते टेंशन का मान, पॉइंट क्यू पर, पॉइंट मान लो कि यही क्वेश्चन में सवाल रहता कि मान लिया जाए कि यही रड है जिसका लंबाई एल और मास कितना है एम, और ये घूम कितना से रहा है ओमेगा से, और बताइए कि इस आर बिंदु पर टेंशन का मान क्या है जबकि यहां से कितना दूरी पर है थ्री एल बाई फोर, थ्री एल बाई, तब इस पॉइंट आर पर जो टेंशन होगा इन सभी पार्टिकलों के चलते होगा, इसलिए इस बार जो इंटीग्रेशन करेंगे उसी का एम बटे एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होगा थ्री एल बाई फोर से लेकर के एल तक, थ्री एल बाई फोर से लेकर के एल तक करेंगे, इसमें जो भी आएगा इंटीग्रेशन सेम टू सेम उसी करना है, खाली मान पुट करना है थ्री एल बाई फोर से लेकर के एल तक, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से रड के किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर हम लोग टेंशन का मान निकाल सकते हैं, जिस पॉइंट पर टेंशन का मान निकालना है कि एक्स का मान वहां जितना है वहां से लेकर कहां तक एल तक इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा।